वहीं हरियाणा में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मंथन में जुटी हुई है। उसका मानना है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक खिसकने की वजह से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और इनमें आधी सीटें इस बार बीजेपी के हाथ से निकल गई। हार के कारणों पर मंथन के लिए पार्टी ने रोहतक प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल हुई। इन नेताओं ने हार के पीछे विपक्ष का संविधान बदलने की झूठी अफवाह और भीतरघात को कसूरवार माना है, जिसके चलते अनुसूचित जाति का वोट बैंक पार्टी से छिटक गया। यहाँ बैठ कर के अपने समाज के लोगों से बातचीत करी है और यहाँ उनसे जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रदेश का, उसका अनुभव भी हमें लिया है और आगे हमें क्या करना है, विधानसभा चुनाव में कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने खासकर ये देखने की बात है कि पूरे के पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की जो हमारी सीटें रही उसके अंदर जो हमारे अनुसूचित वर्ग की जो 2 सीटें रही वहां पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए।